हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आलोक जेटली आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेंस, आज हम पार्ट थ्री डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट वन पार्ट टू वीडियोस आप देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स और मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र की बात करेंगे। जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट If held for 12 months, security listed in recognized stock exchange, जितने भी shares होते हैं जो listed हैं stock exchange में, units of equity oriented fund and unit of UTI, zero coupon bond, इन सब के लिए 12 months के period तक अगर ये आपने hold किया तो short term capital asset होगा, और उससे ज़्यादा के लिए hold किया तो long term capital asset। इसी तरह से दूसरा, unlisted securities, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इनके लिए 2 साल का पीरियड है, 24 मंथ्स। 2 साल के पीरियड तक अगर आप रख के बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा, और अगर 2 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा। और यूनिट ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड, अदर कैपिटल एसेट्स, इनके लिए 3 ईयर्स का 36 मंथ्स का पीरियड है। इससे कम है, 36 मंथ्स का पीरियड है या कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, और इससे ज़्यादा का पीरियड के बाद आप रखने के बाद बेच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ट्रांसफ़र कब माना जाएगा कि हाँ आपने सेल कर दिया और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन अट्रैक्ट होगा। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फर्स्ट द सेल एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। आपने बेच दिया, एक्सचेंज कर लिया या छोड़ दिया वो एसेट से एसेट को, तो वो ट्रांसफ़र ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन, आपने अपने राइट्स छोड़ दिए उस पर, किसी और को दे दिए, तो वो ट्रांसफ़र ट्रीट होगा। कंपलसरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, किसी गवर्नमेंट ने या किसी ने, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन हो गया उसका, तो वो भी ट्रांसफ़र ट्रीट होगा। उसके बाद फोर्थ है, द ओनर ऑफ कैपिटल एसेट मे कन्वर्ट द सेम इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, सच कन्वर्सन इज ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र। आपका अपना एसेट था, जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूँ, कोई सेकेंड हैंड कार्स का बिज़नेस कर रहा है और वो अपने पर्सनल यूज़ वाली कार स्टॉक इन ट्रेड बना लेता है और उसको अपने शॉप पे ले जाता है, तो वो वहाँ पे सेल ट्रीट होगा, ट्रांसफ़र ट्रीट होगा। उसके बाद फिफ्थ है, द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ट्रांसफ़र ट्रीट होगा, मैच्योरिटी हो गई तो। फोर्थ है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, समटाइम्स द पोजीशन ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी इज गिवन इन कंसिडरेशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, वो भी ट्रांसफ़र ट्रीट होगा। एक एग्जाम्पल भी नीचे दी गई है, आप देख सकते हो, सिंपल सी एग्जाम्पल है, एंटायर सेल कंसिडरेशन दे दिया, ए हैंड्स ओवर कम्प्लीट राइट ऑफ पोजीशन टू द परचेजर सिंस ही हैज़ रियलाइज द एंटायर सेल कंसिडरेशन, तो ट्रांसफ़र ट्रीट होगा। लास्टली, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच हैव अफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एन्जॉयमेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, पर्सन, एग्जाम्पल मैंने नीचे दे रखी है, पर्सन में बिकम ए मेम्बर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच मे बी बिल्डिंग हाउसेज और फ्लैट्स। समझ गए आप, एक मेंबर हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और जो बिल्डिंग एंड हाउसेस बना रही है। व्हेन ही पेज एन एग्रीड अमाउंट एंड सोसाइटी हैंड्स ओवर द पोजीशन ऑफ द हाउस टू द पर्सन कंसर्न, नो कन्वेंस इज रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, द अबव ट्रांजेक्शन इज ए ट्रांसफ़र। बात क्लियर हो गई आपको, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी
कंपनी या इसके मेंबर बन जाते हैं और आपको एक सर्टेन अमाउंट देने के बाद पोजीशन मिल जाता है हाउस का, तो वो भले ही आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है लेकिन वो इनकम टैक्स के पर्पज़ से ट्रांसफ़र ट्रीट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रांसफ़र और कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूंगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।